में अवैध वाहनों और पैदल मजदूरों को न घुसने देने के आदेश के बाद यूपी की सभी सीमाओं पर भारी जाम लग गया है। सभी सीमाओं पर हजारों मजदूर और गाड़ियां जमा हो गई हैं। दिल्ली के गाजीपुर यूपी बॉर्डर पर कई प्रवासी मजदूर रोक दिए गए हैं। पुलिस उन्हें अपने क्षेत्र में घुसने नहीं दे रही है। नाराज फंसे मजदूर बार बार ट्रैफिक रोकने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें सड़क से हटाया और यातायात व्यवस्था बहाल की। योगी सरकार में मंत्री चौधरी उदय भान सिंह ने प्रवासी मजदूरों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने घर लौट रहे मजदूरों की तुलना चोर डकैतों से की। उन्होंने कहा कि सड़कों पर पैदल चल रहे कुछ लोग चोर डकैतों की तरह भाग रहे हैं। दरअसल मंत्री जी औरैया हादसे पर बोल रहे थे, लेकिन संवेदना व्यक्त करने की जगह उन्होंने मजदूरों की भावनाएं आहत कर दी। प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से फिर अनुमति मांगी है। उन्होंने ट्वीट कर योगी सरकार से अपील की है कि कांग्रेस अपने खर्च पर श्रमिकों के लिए बसें चलाना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारी बसें बॉर्डर पर खड़ी हैं और प्रवासी भाई बहन धूप में पैदल चल रहे हैं, कृपया परमिशन दीजिए। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे पर लामबगड़ में भारी मलबा गिरने से रास्ता बंद हो गया है। इसके चलते करीब 20 मीटर तक सड़क भी धंस गई है। रास्ता नहीं खुलने से फिलहाल यहां वाहनों की आवाजाही बंद है। ये मलबा हाईवे पर पहाड़ी की कटिंग के बाद अचानक गिर पड़ा। रास्ता बंद होने से सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की कतार भी लग गई है। नेशनल हाईवे की टीम मलबे को साफ करने में जुटी है। कोरोना काल में भी भ्रष्टाचारी अपनी जेब भरने से बाज नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान गरीबों को बांटे जाने वाला गेहूं घोटालेबाजों ने मध्य प्रदेश की मंडी में बेचने के लिए पहुंचा दिया। यहां के सीहोरा के गेहूं खरीदी केंद्र पर बेचने के लिए 5 ट्रक गेहूं लाया गया था। 2 ट्रक खाली होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से मंडी परिसर में पहुंच भी गया था, लेकिन सूचना मिलने पर पुलिस, खाद्य नियंत्रक और खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे। ट्रकों पर कोविड-19 खाद्य रसद आपूर्ति लिखा मिलने से इसका खुलासा हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये सिलसिला करीब 10 दिन से जारी था, लेकिन ये पकड़ में अब आया है। झांसी में एमपी बॉर्डर पर गाड़ियों को रोकने के बाद प्रवासी मजदूरों ने हंगामा खड़ा कर दिया। नए आदेशों के बाद यूपी पुलिस ने सीमा पर बैरियर लगा दिए हैं, जिसके बाद करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। काफी देर तक जाम लगने के बाद वाहनों में फंसे मजदूरों का सब्र का बांध टूटा और उन्होंने सड़क पर उतरकर जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने हंगामा कर रहे मजदूरों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन मजदूर अपने वाहनों से जाने के लिए अड़े रहे और हंगामा करते रहे। इसके बाद पुलिस और मजदूरों में झड़प भी हुई। आखिरकार प्रशासन ने मजदूरों को जाने की अनुमति दी। दूसरे राज्यों और शहरों से जौनपुर तक ट्रकों और पैदल पहुंचे प्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन ने जिले की सीमा में घुसने नहीं दिया, जिसके बाद कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। कई घंटों से भूखे प्यासे कई मजदूर जिले की सीमा पर तैनात पुलिसकर्मियों से भी उलझने लगे। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी के साथ तमाम आला अधिकारी पहुंचे और प्रवासी मजदूरों को समझाने लगे और जल्द ही सरकारी बसों के इंतजाम का आश्वासन दिया। प्रवासी मजदूरों की बड़ी संख्या के गुस्से को देखते हुए सभी को उन्हीं के वाहनों से भेजने के लिए इजाजत देनी पड़ी। उत्तराखंड में परिवहन निगम के कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। रोडवेज कर्मचारी यूनियन ने परिवहन निगम से वेतन जारी करने की मांग की है। यूनियन के महामंत्री अशोक चौधरी का कहना है कि जिस तरह से परिवहन निगम के कर्मचारी लगातार प्रदेश के प्रवासी लोगों को लाने का काम कर रहे हैं और सरकार के आदेशों का पूरी मुस्तैदी के साथ पालन कर रहे हैं, ऐसे में जल्द उनके वेतन को जारी करना चाहिए। देहरादून के दून हॉस्पिटल में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान कोरोना के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टर और नर्सेज को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मेयर सुनील उनियाल गामा, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता खजान दास भी मौजूद रहे। दून हॉस्पिटल में अभी तक कोरोना के कुल 25 मरीजों का इलाज हुआ है, जिसमें 8 मरीज अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, वहीं बाकी स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। प्रवासी मजदूरों को राहत देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश सरकार एमपी से गुजरते समय मजदूर की मौत होने पर उसके परिवार को 1,00,000 रुपए की सहायता राशि देगी। साथ ही किसी हादसे में मजदूर के गंभीर घायल होने पर एमपी सरकार 25,000 रुपए की सहायता देगी। इंदौर नगर निगम कर्मचारी अपना 1 दिन का कटवाया गया वेतन अब वापस मांग रहे हैं। दरअसल इंदौर नगर निगम के सभी कर्मचारियों ने अपना 1 दिन का वेतन मास्क और सैनिटाइजर की सुविधा के लिए दान किया था। कर्मचारी संगठन ने कलेक्टर से कहा कि नगर निगम ने मास्क की व्यवस्था नहीं की, इसलिए उनका 1 दिन का काटा गया वेतन वापस लौटाया जाए। कर्मचारी अपना 1 दिन का काटा गया वेतन रेड क्रॉस को दिए जाने से नाराज हैं।
नीमच जिले के रामपुरा में एक पेट्रोल पंप मालिक ने अनोखी शुरुआत की है। अगर आप इस पेट्रोल पंप पर डीजल या पेट्रोल लेने आए हैं और आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो आपको डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा, और अगर आप पेट्रोल पंप पर आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपको पेट्रोल डीजल पर 1 रुपए प्रति लीटर का डिस्काउंट भी मिलेगा। खंडवा जिला अस्पताल के प्री आइसोलेशन वार्ड में भर्ती सिंधी युवक की मौत के बाद परिजनों ने बवाल काट दिया। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और हंगामा किया। उनका आरोप था कि मरीज को 9 मई को भर्ती कराया गया था, उसी समय उसका सैंपल लिया गया था, लेकिन 9-10 दिन बाद भी रिपोर्ट नहीं आ पाई। पूर्व सीएम अजीत जोगी का मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। उनकी हालत में कोई सुधार नहीं है, उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। मस्तिष्क को एक्टिव करने के लिए डॉक्टर्स अब टीसीडी और वीएनएस तकनीक का सहारा ले रहे हैं, लेकिन डॉक्टर्स की तमाम कोशिशों के बावजूद अजीत जोगी का मस्तिष्क एक्टिव नहीं हो रहा है। वेंटिलेटर के जरिए उन्हें ऑक्सीजन दी जा रही है। कोरोना महामारी के बीच काम कर रहे पुलिस के अधिकारी और जवानों के लिए आज मोती डूंगरी मंदिर में इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा बांटी गई। इस मौके पर मंदिर महंत कैलाश शर्मा ने डीसीपी राहुल जैन और एसीपी पुष्पेंद्र को करीब 400 दवा सौंपी। ये दवा महीने में 4 बार ली जाएगी, जिससे शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी और कोरोना महामारी के बीच काम कर रहे पुलिस के अधिकारी और जवान सुरक्षित रह सकेंगे। बीकानेर में एक ही परिवार में 6 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिसके बाद सोनारों की गुआड़ में जीरो मोबिलिटी के साथ कर्फ्यू लगा दिया गया है। मृतक व्यक्ति के संक्रमण की चेन का पता लगा है। शख्स कुछ दिन पहले अहमदाबाद से आया था, जिसके बाद 3 परिवारों के 60 के करीब लोगों में संक्रमण का खतरा है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को क्वारंटीन किया है। नागौर के लाडनू में कोरोना वायरस ने फिर से दस्तक दी है। शहर के बीचों बीच दाधीच भवन में सूरत से आए 7 लोगों को स्क्रीनिंग कराने के बाद दाधीच भवन में रुकवाया गया था, जिसमें आज एक युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये 7 लोग 14 तारीख को सूरत से लाडनू आए थे, जिसमें आज एक युवक पॉजिटिव आ गया। बाकी लोगों के सैंपल लिए गए हैं। उदयपुर जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज 17 नए संक्रमित सामने आए हैं, उसके बाद जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 379 हो गई है। आज पॉजिटिव आए मरीजों में से 6 लोग प्रवासी हैं, जो कुछ दिनों पहले ही अपने घरों पर लौटे थे। वहीं 2 मरीज कोरोना का एपी सेंटर बने कांजी का हटा इलाके के आसपास के हैं। कलेक्टर ने संक्रमित इलाकों में कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। बांसवाड़ा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ठीक होने की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जिले में अब तक 50 मरीज कोरोना संक्रमण से पूरी तरह से ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। जिले में कुल 69 कोरोना मरीज हैं, वहीं 18 मरीजों का इलाज उदयपुर और बांसवाड़ा में जारी है। मरीजों के ठीक होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। तमिलनाडु में लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, हालांकि इस बार कुछ और रियायतें दी गई हैं। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने लॉकडाउन 4.0 को लेकर केंद्र की गाइडलाइन के पहले ही तमिलनाडु में लॉकडाउन बढ़ा दिया। कर्नाटक के कलबुर्गी में भी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर शरद ने आदेश जारी करते हुए पूरे कलबुर्गी में धारा 144 भी लागू किया है। उन्होंने लॉकडाउन में लोगों की आवाजाही को सख्ती से रोकने के निर्देश भी दिए हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में सीएम केसीआर के सरकारी आवास के सामने एक शख्स ने सुसाइड करने की कोशिश की, हालांकि उसे सीएम आवास की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया। आत्महत्या की कोशिश करने वाले शख्स नजीरुद्दीन ने बताया कि लॉकडाउन की वजह से उसे परिवार को पालना मुश्किल हो गया है, जिसकी वजह से उसने सुसाइड करने का फैसला किया। उसने सीएम से मदद की अपील की। पुलिस ने नजीरुद्दीन को हिरासत में ले लिया है।